गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड विपिन दीक्षित। और आज है संडे और हम सबकी छुट्टी, और हम जा रहे हैं कहां पर आपको बताएंगे। संडे मार्केट, वो है स्पेशल डे, क्योंकि हम जाते हैं स्पेशल संडे लेके। और वो किस जाते हैं, हमारा छोले भटूरे खाने। तो संडे को अगर छोले भटूरे खाने हैं तो संडे मार्केट जरूर जाइए, और आपको दिखाएंगे हम संडे मार्केट क्यों जाते हैं। तो आपको दिखाएंगे क्यों है स्पेशल संडे मार्केट को। छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं भाई, थोड़ा सा बोल सकते हैं 30-40 रुपीज़ की प्लेट मिलती है, और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर आप। बट डिपेंड करता है वेदर पे, क्योंकि अगर वेदर खराब है तो संडे मार्केट लगता नहीं है, लगता है तो बहुत शॉर्ट में लगता है। तो आपको दिखाते हैं संडे मार्केट, और ये पड़ता है आर के पुरम सेक्टर थिंक 4 और 5 के बीच में। और आपको दिखाएंगे यहाँ से साउथ मोतीबाग से आर के पुरम जो सेक्टर है, हम जा रहे हैं 4 और 5 पे, वो कितनी दूर है संडे मार्केट। और यहाँ से आती है तो 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो उसको कवर करते हैं। और उसके साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल मेरा, जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जो रियल होगी, रियल लाइफ की होंगी, और आपको एक तो प्रैक्टिकल आपको जो नॉलेज है देंगी। तो हम सब लोग तैयार हैं, सबको हाय बोल दो भाई, हाय। और बोलो श्री अम्बे मात की, बोलो बजरंग बली की जय। चलते हैं हम अपने संडे मार्केट की जर्नी के लिए, और यहाँ से हम देखते हैं कितना डिस्टेंस पड़ता है हमें। आज वैसे बारिश हो चुकी है, तो पॉसिबिलिटी है कि संडे मार्केट कम लगा होगा, या फिर लगा है तो बहुत ही लेस वेंडर्स होंगे वहाँ पर। हमें बस मतलब है भाई, आज भटूरे से देखते हैं भटूरे मिल जाते हैं हमें कि नहीं, और जो भी होगा आपको बताएंगे। हमारे को सिलेक्टेड ही वेंडर से जिससे हम भटूरे खाते हैं, बाकी वहाँ पर मल्टीपल चॉइस है। जैसे जैसे आपको दिखाएंगे कि कहाँ पड़ता है और कैसा मार्केट लगता है। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो आपको शायद ना मिले, बट आपको बार्गनिंग करनी आनी चाहिए। जस्ट लाइक सरोजनी नगर, अगर आप विजिट करते हैं संडे मार्केट में, तो आपको पूरा बार्गनिंग आनी चाहिए करना, और साथ में हर तरह के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको सारे तरह की जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स सी कि कितना ओपन होता है मार्केट। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कि इस सीज़न में ज़्यादा बाहर ना निकले, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द दिल्ली कैपिटल, क्योंकि बारिश के कारण हाफ दिल्ली जो ईस्ट साइड का जो पार्ट है दिल्ली का वो फ्लूडेड है। यू हैव सीन इट इन न्यूज़। तो चेक करते हैं कि हमारे इस साइड में पानी का तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वी आर फार अवे फ्रॉम द यमुना बैंक। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो आपको बताते हैं, क्योंकि अभी इस साइड पर तो इतना कुछ सिचुएशन आई नहीं है प्रॉब्लम, ये वाटर फ्लूडेड का इशू हो या फिर कुछ ऐसा हो। क्योंकि जो सिटी ईस्ट साइड में जो इशू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि यमुना का जो वाटर लेवल है, जस्ट बिकॉज ऑफ उत्तराखंड में जो बारिश हुआ था उसकी वजह से जो वाटर छोड़ा गया है वहाँ से, अथनी कुंड जो बोल सकते हैं बैराज से, उसकी वजह से यमुना का लेवल ऊपर हुआ है। और वैसे भी देखा जाए तो जो नदी के क्रॉस के साइड में हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। अगर आप नियर बाय रिवर रहते हैं तो जो चांस होता है कि हैवी रेनफॉल जब भी बैक साइड में कहीं होता है किसी और स्टेट में, और रिवर वहाँ से आ रही होती है, तो डेफिनेटली आपका एरिया जो है वो वाटर लेवल हाई हो सकता है जब भी वो बैक साइड से रिवर में पानी छोड़ते हैं। तो अभी देखते हैं हम इधर साइड में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आई होप सो कि सिचुएशन इन विल बी अंडर कंट्रोल विद इन 3 to 4 days or 5 days, अगर बारिश नहीं होती है तो। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे ही होता रहेगा, एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन हो सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि काफ़ी लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, लाइफ का, एज वेल एज बाकी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अपने लेवल पे पॉलिटिक्स चलती रहती है भाई। बट जो सिचुएशन है वो तो है, आप अगर थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी रोड पर आ चुके हैं, तो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। बाकी ये देखते हैं, आज अभी हम जा रहे हैं आर के पुरम संडे मार्केट। दिल्ली में हर डे का जो होता है मंडे टू संडे, हर तरफ एक मार्केट लगा होता है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो मार्केट कहाँ लगा है, क्योंकि ये लोकल वेंडर्स ही होते हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं डे बाई डे। सो यू कैन से कि आज संडे मार्केट आर के पुरम में है तो मंडे कहीं और लगेगा, ट्यूजडे कहीं और। तो इस तरह से वो पूरा वीक कवर करते हैं, और साथ में उनका वो कह सकते हैं कि संडे मार्केट नॉट ओनली फॉर होल सेलर्स और वेंडर्स, लोकल वेंडर्स, तो सिचुएशन के हिसाब से ही वो अपना शिफ्ट करते हैं, और इसका पूरा सिस्टमेटिक होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनको जगह मिलती है, और उनका उनको रेंट भी देना पड़ता है। सो इट्स नॉट लाइक कि आज मैंने कुछ शॉप लगानी है तो आई कैन गो डायरेक्टली इन टू द मार्केट एंड डू इट, क्योंकि सबका जो प्लेस होता है बुक होता है। तो लेट्स सी कि कितना अभी मिलेगा, लग तो नहीं रहा कि इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ना रेन हो चुका है आई थिंक 1-2 घंटे पहले, या ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि यू कैन सी द रोड इज नॉट बैड। तो अभी यू टर्न लेते हैं यहाँ से, ये मोती बाग फ्लाई ओवर है, सो अभी यू हैव टू टेक, अभी हो चुकी है रेड लाइट यार, तो रुकना पड़ेगा। लेती है यू टर्न, और उसके बाद हम जाते हैं यू कैन सी वसंत सेट में, जो यहाँ से पड़ेगा 100 मीटर अराउंड, बट जो हमें लेफ्ट में लिया जाएगा आपके रूम के अंदर,
जल्दी पहुंचते हैं। रश तो इतना नहीं लग रहा है क्योंकि इवनिंग में मोस्टली रश होता है, 7-8 बजे तक ही रहता है, तो हमारा टाइम हो चुका है अराउंड 8:36 और आज है संडे तो ऑफिस का इतना है नहीं रश। और हमें जाना है लेफ्ट, सो वी विल टेक द लेफ्ट साइड। ले लिया लेफ्ट और ये जाएगा मेजर सोमनाथ मार्ग और ये जाता है सीधा हमारा संगम। पहले यहाँ पर अभी टॉकीज था, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके बना दिया गया संगम मॉल प्लस पीवीआर। सो ये यहाँ से कॉर्नर पे पड़ेगा, द नेक्स्ट कॉर्नर इज संगम पीवीआर आल्सो। सो यू कैन सी इन राइट साइड, आई विल शो यू, इट्स वेरी ओल्ड टॉकीज वाज देयर बट ड्यू टू टाइम चेंज है ना, टाइम के हिसाब से उन्होंने अपना स्पेस सेल आउट कर दिया और नाउ देयर इज अ स्मॉल मॉल प्लस पीवीआर ऑप्शन। सो इनको पता है वो यहाँ पर भी ऑप्शन है छोटा सा, ये यू कैन सी द राइट साइड, जो राइट साइड में जो ऑप्शन है वो आपका पीवीआर पड़ेगा। हम जो लौटेंगे तो आपको मैं एक बार दिखाऊंगा जरूर। अब ये जो संडे मार्केट स्टार्ट होता है जस्ट राइट फ्रॉम यू कैन सी कितना मार्केट लगा है, आज लगा तो है यार थोड़ा बहुत है। यहाँ से लेफ्ट लेते ही स्टार्ट होता है संडे मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकल वेंडर्स फॉर वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑल। जो उसका मेन होगा आपका स्टार्ट हुआ थोड़ा आगे से होगा, तो हम वहीं से एंट्री करेंगे। पार्किंग अपने ओन रिस्क पे खड़ी करनी पड़ती है भाई, यहाँ कोई स्पेशल पार्किंग नहीं है, तो रोड साइड में ही जहाँ ऑप्शन मिल जाए वहाँ पर खड़ी करके जा सकते हैं। यू कैन सी द लेफ्ट साइड जो पार्किंग है, राइट साइड में है संडे मार्केट जो अलॉन्ग विद द रोड एवरी वीक में संडे को लगता है यहाँ पर। तो यू कैन सी हमें जाना है राइट साइड में, तो कहीं भी यहाँ पर ऑप्शन गाड़ी तो लगाएंगे not easy to find out the right place for parking. Let's see if we can get a good place. Let's see. Yes. We'll find it. We'll find it. We'll find it. लगाते हैं गाड़ी क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन मिल गया हमें, सही कितना सही है देखते हैं। तो ऑप्शन मिल गया हमें, क्या लगाते हैं पहुंच गई हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग देखिए। और ये हमारा बैक साइड जहाँ से हम आए और ये यहाँ से पड़ेगा हमारा जहाँ से हमें जाना है। और आपको दिखाते हैं कि लॉक किए गए दरवाजा लॉक है, गाड़ी हो चुकी है तैयार हमारी खड़ी है। चलिए राइट लेफ्ट साइड इधर चलो राइट पे, ये हमारा राइट साइड में है आर के पुर मार्केट। और कोशिश करेंगे कि कवर कर पाए, छोटा मोटा दिखा पाए आपको चीज़ें क्योंकि मार्केट है इस संडे को ही लगता है यहाँ पर स्पेशली इस जगह पे। तो बस खाएँ भटूरे खाने और छोटा मोटा शॉपिंग करने के लिए अगर ऑप्शन मिल जाता है कुछ अच्छा दिखता है तो, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं करना यार, मास्टर में ऐसे गड़बड़ है। और हो चुकी है हमारी आज कितना टाइम 8:43 तो ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। और ये मार्केट भी 9:30 तक उठ जाता है, स्टार्ट होता है मतलब ख़त्म होते होते 10 बज जाती है 11 बज जाती है। तो लस्सी हाथ पकड़ो सब लोग, देख के पार करना, लेट्स गो, कोई नहीं है चलो, यू कैन सी नथिंग इज देयर, भागो नहीं भागो नहीं, इधर आओ राइट में, चलो चलो। तो चुका हमारा रेडी, ये एंट्री है यहाँ पर मार्केट की। और यू कैन सी हर चीज़ मिलेगी भाई आपको यहाँ पर स्टार्टिंग, कपड़े तो बहुत ऑप्शन है यार, कपड़ों के साथ हर चीज़ आपको मिलेगी जो छोटे छोटे हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं। तो इट्स नथिंग लाइक कि आपको ये देखिए घड़ी 50 रुपये से स्टार्ट रहती है घड़ी। और ये टी शर्ट्स क्रॉक्स इसका देख लो, बोले देखना इसका क्रॉक्स रखे पीछे, ऑरेंज वाले व्हाइट वाले ब्लू वाले भी अच्छे हैं। इसके साइज ये ब्लू वाला लग रहा है, क्रॉक्स लेने मुझे ले लिए, तो ले लिया हमने क्रॉक्स, देखते हैं कलर कौन सा लिया है। तो ये कलर लिया हमने ब्लू इंजीनियर के लिए। चलो अब हो गया हमारी शॉपिंग, शॉपिंग हो गई है स्टार्ट,
सेल है 100 rupees ओनली, ऑल टी शर्ट अवेलेबल इन 100 rupees, 250 बैग्स हैं, बादाम शेक, तो आपका हो गया काम पूरा। तो चलो फटाफट खाते हैं, ये देखिए पर्स ऑनली 100 rupees, मम्मी को दूसरा पर्स ही है 100 rupees, 100 रुपये में है ना, सही ऑप्शन, छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं, ये अंदर डालो, नहीं अंदर डालो, अच्छा ओनली 100 rupees। अरे तो ये 100 rupees का मिलेगा संडे मार्केट में आपको, देखिए ऑप्शन, सारे ऑप्शन है यहाँ पर। आप नई जगह लगी है, आपको पहले तो नहीं लिखते थे ना, अभी नया है वहाँ पर, आप रेगुलर लगाते हो, 6 महीने हो गए ना, हम तो 5 से 7 से आ रहे हैं ना, इसलिए पता है। तो आपका ये जगह फिक्स हो गई, अभी ये जगह फिक्स है, तो चेंज करते रहते हो या पर्स में लगाते केवल आप? पर्स ही पर्स है, सही ऑप्शन तो 2-3 तुम्हारे गिफ्ट करने के हिसाब से ना, ये भी अच्छा लग रहा है, वो छोटे वाले अच्छा लग रहा है, छोटा सा ना, ये तो थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं उसके। तो ये देखिए ये छोटे से छोटे पर्स आपको 100 rupees में पड़ेंगे, और यू कैन सी और ऑप्शंस है, आपका नाम क्या भैया? अमित। तो अमित भैया की दुकान ही एंट्री करते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग में ही आपको पड़ जाएगी, तो ये स्पेशली पर्स का ही लगाते हैं, और इन्होंने अभी 6 months से स्टार्ट किया है, तो आप कभी भी आए तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो छोटे पर्स आप गिफ्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि 100 rupees में यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, बर्थडे गिफ्ट छोटे छोटे बच्चों के लिए, बट ये थोड़े छोटे ना 100 रुपये में क्या मिलता है यार, 2-3 पर्स लेके डाल दो, ठीक है। अच्छा ये भी ले ले, खत्म करो, हाँ बस हो गया, 5 काफी है अभी, फिर अभी विजिट करेंगे नेक्स्ट टाइम, आपका पता चल गया ना, तो ये ठीक है, अच्छा है पर्स छोटे छोटे, फिर नेक्स्ट टाइम विजिट कर लेंगे, तो अभी लगता है माल कम है भैया पे ना, निकल गया, हाँ खत्म हो गया, अभी इनको मिल गया ना जगह, ये एक झोरा लेना पड़ेगा फिर तुम्हें, रशी पकड़ लो या एक ही पकड़ा दो सबको, तो हमारी शॉपिंग, और हमने ले लिया 5 पर्स गिफ्ट करने के हिसाब से भाई, और इनके फ्रॉक्स ऑलरेडी जूनियर के फ्रॉक्स हो चुके हैं, सारे के सारे यहाँ घूम रहे हैं हम महान लोग, और ये हमारे छोटे छोटे लाइटिंग नाइट लाइट, और ये है सब ड्रेसअप गर्ल्स के स्पेशली सारे कुर्ते, और ये कुछ स्टार्टिंग है 100 rupees और 150 rupees, क्या बोल क्या क्या वो अलग चीज़ है, ये है 20 rupees सेल, ओनली 20 rupees, आपको खरीदना है कुछ होम आइटम तो ओनली 20 rupees, ये अंडरगारमेंट्स बच्चों के जीन्स लग रहे भैया 50 नहीं अरे भाई 1000 रुपये 500 रुपये तो है ये, और ये है हमारे बैग्स, स्कूल बैग्स, ट्रैवल बैग्स, और इसके बाद ये हमारा आइटम्स जो किचन आइटम्स है स्पेशली, सॉरी आयरन और जो कटर है, केरी कटर देखिए इनके पास है, और छोटे मोटे आइटम्स ले सकते हैं यहाँ से कभी भी, ये सारे मोस्टली यार सारा हाउस होल्ड आइटम्स है, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा क्या लें क्या नहीं लें, अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बजट ग्राफ खराब कर सकता है यार ये संडे मार्केट, ये देखिए बार्गेनिंग तो बहुत जरूरी है, आपको बिना बार्गेनिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो लेट्स सी चलते चलते हैं, ये वाइट शर्ट सारी हमारी, और आगे बढ़ते हैं, ये ज्वेलरी आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़ों का तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको, बच्चों के शूज, सैंडल्स, चलते चले, और हमें देख रहे हैं हमारे भटूरे वाले अंकल जी, तो चलते हैं फटाफट से, हमारे भटूरे खाते बहुत टेस्ट लगे,
चलिए चलिए साइड में, अभी गाड़ी भी घुस गई क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में लगता मार्केट, तो शूज मिल जाएंगे आपको अच्छे से अच्छे और उसका प्राइस 700-600 रुपये से स्टार्ट है। और आगे बढ़ते हैं, सारे आइटम्स हैं, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको। और ये देखिए, ये है गवर्नमेंट परिसर आर्किट्रम, सारे आइटम्स मिल जाएंगे हाउस में टाउन। और ये सारे आइटम्स होते हैं, और ये बच्चे मिला है हमारा, शॉर्ट्स ओनली 100 रुपीज। और ये हमारे अंकल जी बटुए वाले, जिनसे हम खाते बटुए वापस आ गए, बहुत दिनों बाद आए। और ये हमारे टॉइस, चलो अंदर वापस आ गए मटुए वाले अंकल जी के। ये अंकल जी हमारे हैं, मम्मी अंदर जाके चलो ना मम्मी के साथ। तो 180 हमारे भटूरे हो गए। हाँ बोलो, एक ये कर दिया अंकल, चार प्लेट दे दो। तो हमें मिल गया टोकन, अभी ये जाएंगे हमारे प्लेट लेने के लिए, तो यहाँ से भैया हमें प्लेट देंगे आने की। तो ये भैया को देने पड़ेंगे हमें टोकन, और उसके बाद भैया हमें देंगे भटूरे की प्लेट। खाने भैया चार प्लेट, तीन वाली भाई। भटूरे तो बहुत मिलेंगे हम पर संडे मार्केट में, हम अंकल के पास ही आते हैं यहाँ पर खाने हमेशा भटूरे। इस बार काफी देर बाद आए हैं, तो काफी आई थिंक 2-3 महीने से ज्यादा हो गया। और रखो जाके धीरे से, तो अब ये तीन भटूरे की प्लेट हमारी है 45 रुपीज की, अदरवाइज 30 रुपीज की प्लेट है। तो ये दूसरी प्लेट हमारी आ गई है, लास्ट कब तक रहता है अपना? 10 बजे तक भैया, 10:30 तक। तो टाइमिंग हमारा 10:30 तक है यहाँ पर शाम को, बट डिपेंड ऑन कि अगर इनका खत्म होना चाहते हैं छोले तो काली खत्म हो सकता है मामला। तो अभी लास्ट डेट फॉर अस, ये हमारी लास्ट प्लेट जो हम लेके आएंगे। ये हो गई हमारी भटूरे की प्लेट, तो ये आ गई प्लेट हमारी एक्स्ट्रा प्लेट, और ये लगाएंगे यहाँ पर पकड़ो। तो हो गए स्टार्ट हमारे भटूरे। सबसे अच्छी बात है यहाँ के भटूरों की जो मैं यहाँ पर खा रहा हूँ, इससे स्पेशली है कि यहाँ का जो टेस्ट है ना वो काफी औसम है। प्लेट इज नॉट एक्सपेंसिव, और टेस्ट के मामले में दैट इज ऑसम। तो ये देख रहे हैं भटूरे, ये तीन की प्लेट है, तीन भटूरों की प्लेट है, और आई थिंक 45 रुपीज़ की पड़ रही है। मैं तो कभी भी आए संडे मार्केट में अराउंड 7-8 बजे के बाद ये थोड़ा इजी हो जाता है, रश कम मिलता है, डिपेंड ऑन वेदर ऑल्सो यार। अगर रेन हो रहा है तो मार्केट लगेगा ही नहीं, तो कोशिश करिएगा आप ऐसे टाइम में आइए थोड़ा वेदर ठीक हो शाम का। आर्किट्रम में मैं लोकेशन डाल दूंगा जहाँ पर आप ये मार्केट मिलेगा। तो टिल टाइम इन्जॉय दिस भटूरे, और उसके बाद आपसे फिर बहुत सी थोड़ा मार्केट दिखाते हैं आपको जो भी होगा। क्योंकि भाई हमारे भटूरे खत्म, देखे क्या हालत हो रखी है, पसीने से वो इम्यूनिटी बहुत है। और चलो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपने देखा कि ये जो भटूरे हैं इनका मैंने स्पेशली बताया आपको कि यहाँ टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ये देखें, ये मार्केट काफ़ी ठीक है। अभी हमारा जो आज है बिकॉज ऑफ आप देखें कंडीशन, वेदर है क्लाउडी है, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा भीड़ कम है। तो कभी भी आप आए तो एक बार रिप्रेस करके भटूरे, एंट्री करते ही फर्स्ट लैपटॉप पड़ेगा ये, और बाकी चीज़ आपको मैं बताता रहूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था पैक भी करा रहे हैं भटूरे घर के लिए भैया, अभी जितना खा सकते खा लिया, अभी देखते हैं पैक भी हो जाएगा हमारा। तो ये हमारे भटूरे की लास्ट एक प्लेट पैक, तो ये चलो पैक हमारा, चलिए चलो 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 देख लो एक बार। अभी जूनियर को चाहिए शूज़, और वो भी वाइट, अगर मिलते हैं ठीक तो देंगे,
अदरवाइज वहाँ पर देख के आओ, वो रे देखो दिखा देंगे। तो चेक हो रहा है साइज, बैठ जाओ। अब जूता डालो, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर पीछे सर को, नीचे पैर मत रखना। कहाँ टाइट है? इसको स्पोर्ट के लिए चाहिए ना। एक बार रुको, 350 ना। हाँ यूट्यूब पे डालता हूँ। हाँ देखो भैया हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो हमारे हो गए ऐसे जूते, और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं खड़े। बाकी ये जो सामने भटूरे वाले अंकल हैं, उनके अपोजिट में इनकी दुकान है, तो कभी भी आप आएँ तो एक बार विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, अपने शूज़ वगैरह लेना हो तो। चलते हैं अभी घर की तरफ, और आप रश तो देखते हैं, इतना तो नॉर्मल रश है। ये 60 रुपीज़ में आपको स्लीपर्स मिल गए, और 10 रुपीज़ माल, हर माल 10 रुपये, लेकिन सी 10 रुपीज़ हर माल 10 रुपये, और हम कर रहे हैं फॉलो। ऋषि ये पकड़ लो बैग, चलो धीरे धीरे आगे। येलो जी कॉकरोच की गठबल की दीमक की सुबह की दवाई दे दो भाई, सुबह मारने की दवा, और चलते जाएंगे हम। भैया आज थोड़ी ह्यूमिडिटी है तो पब्लिक कम है, और एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें कि इतना कम भीड़ मिलेगी, नहीं तो संडे मार्केट में पब्लिक कम, धक्के मारते हुए निकलना पड़ता भाई। तो अभी देखते हैं, जलने का काम हो गया ये है पर्स। चलो 100 रुपीज़ जीन्स, ओनली 100 रुपीज़। तो आपको कभी आए तो 100 रुपीज़ में जीन्स आपको मिल सकती है, क्या देखिए सेल 100 रुपीज़ जीन्स। तो ये शॉर्ट्स हमारे, तो चलते हैं, हमारा हो चुका है मोस्टली काम पूरा, जो चीज़ थी हमारे भटूरे खाने से हो गए पूरे, बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। फेवरेट प्लेस ऑल सारे हमारे गन शॉप, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ बच्चों के खिलौने। सबसे बड़ी खतरनाक जगह जो आपको ये रिमोट सारे टीवी के फ्रीक्वेंसी और रिमोट है अवेलेबल 150-200 रुपीज़। एम्बुलेंस आ रही है भैया, साइड में हो जाए, एम्बुलेंस आ रही है। साइड हो जाओ एम्बुलेंस, ज़्यादा हम डीप में नहीं गए थे तो सी की रश तो उतना नहीं है आज, बट हाँ ये ह्यूमिडिटी है तो थोड़ा सा नॉट इंजॉइंग जो भी चल रहा है यहाँ पर। बाकी ऑप्शन खाने पीने का भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएगा आपको यहाँ पर, कपड़े से लेके हाउस होल्ड आइटम्स, बैग्स, पर्स और किचन आइटम्स। ये देखिए 150 से 450 सारे के प्राइजेज हैं यहाँ पर बेड शीट्स की, यू कैन सी अवेलेबल ऑप्शंस। बेड शीट्स जो आपको कॉटन बेड शीट्स सब मिल जाएगा आपको 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, और लास्ट हमारा आ चुका है एंडिंग टू दिस मार्केट, ये गोल्ड ज्वेलरी बट इन लेस प्राइस ऑप्शनल,
चलिए भाई चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 रुपए से माल स्टार्ट होता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, हर माल 10 रुपए 10 रुपए। चलते हैं यार, मार्केट आना हो तो भैया बहुत सोच समझ के आना पड़ता है। एंड यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस। ये आपने किस नाम से बताया था? फूडी विपिन दीक्षित जी। फूडी फूडी विपिन दीक्षित वी आई पी आई एन विपिन। तो ये चल चुके हैं हमारा मार्केट और ये कुछ स्पाइसेस जो मेरी फेवरेट है, ऑरेंज कैंडीज और ये गोलगप्पे टिक्की, सारे ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो आ चुके हैं एंडिंग हमारा है, तो यहाँ भी भटूरे वाले बट हम जिससे खाते हैं वो हमें अच्छा लगता है भैया, सबका टेस्ट अलग है, छोलों से लेके भटूरों से लेके सब चीज़ का। तो एक बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा, हमने जहाँ से खाया हम रेगुलर वहीं से खाते हैं तो हमें पता है वहाँ का टेस्ट, टेस्ट हमने सब किया हुआ है बट एक बार जो अच्छी अच्छी लगी तो वहीं पर खाना बेस्ट है। तो अभी हम ऐसे क्रॉस करेंगे रोड साइड से चलिए भैया, आप पार्किंग में चलते हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। और चूँकि आज की शॉपिंग है ये हमारा संडे मार्केट लास्ट, तो वेदर इतना बुरा भी नहीं है और ये कह सकिए अगर आप कोई इवनिंग में निकल रहे हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यार, अभी यू कैन नॉट सी क्लाउड इज क्लियर, तो थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी इसी वजह से कि क्लाउड है और क्लाउड होने की वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो आपको तो इन्जॉय नहीं होना, हवा चल रही है ना कुछ, तो थोड़ा सा टफ सिचुएशन भी कह सकते हो, पर मार्केट लगा है दैट्स ओके, आपको जो चाहिए वो मिल गया, बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए यार, आपको कौन सा टाइम स्पेंड करना है, रेस्टोरेंट गार्डन मार्केट में जितना कम निकलो यार तो अच्छा है यार, उतना जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे आप उतना आपको खर्चा होगा, आपकी जेब हल्की होगी। यू कैन सी हम आए थे कल भटूरे खाने और लेके जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें देख सकते हो आप। तो चलिए आके गाड़ी हमारी और हमने अनलॉक कर दिया जिससे घुस जाए सारे बंदे अंदर फटाफट और उसके बाद निकलते हैं हम लोग। चलिए भैया निकलते हैं फिर साइड पर करते हैं गाड़ी। तो हो चुकी हमारी शॉपिंग यार, आए थे भटूरे खाने और हो चुका है जेब ढीली, अब चलते हैं घर पे जितना जल्दी हो सकता है, घर पहुँचते हैं क्योंकि जितना मार्केट में रहेंगे उतना जेब हल्की हो जाएगी और फिर बाद में देखते रहेंगे भैया काम क्या कितना बजट बिगड़ा। आए थे भटूरे खाने और हो चुकी है हमारी शॉपिंग, थोड़ी बहुत ही हुई है बट ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मतलब खतरा, तो थोड़ा सा यहाँ से टफ है सिचुएशन निकालना क्योंकि पब्लिक रुकती रही है और देखती भी है। लास्ट ऑप्शन हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से, हॉर्न भी गड़बड़ हो गया, कल हॉर्न भी सही कराना पड़ेगा, बारिश पानी चला गया है। तो चलिए ये अब देखिए मार्केट कहाँ तक लगा हुआ है, यू कैन सी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे यहाँ पर बाहर भी, अगर आपको अंदर नहीं जाना तो आप यहीं पार्क करके गाड़ी ऊपर खा पी सकते हैं चीज़ें। और आज लगा है मार्केट और ये जाम इसी वजह से है कि ऑन रोड मार्केट लगा हुआ है तो इसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी टफ है। चलिए देखते हैं, पब्लिक वैसे भी रोड पर खड़ी करके गायब रहती है गाड़ियाँ, तो आगे बस भी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है गाड़ी निकालना, दिल्ली में जैसे गाड़ी चल रही है वो कहीं भी जा सकता है भाई गाड़ी। तो निकल चुके हैं, थोड़ा सा ब्लॉकेज है क्योंकि आगे है सब्जी मंडी, फल मंडी सब्जी मंडी यूकिन से, और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सारा ये मार्केट संडे को लगता है और शाम को 5 बजे से स्टार्ट होता है अगर पूरा वेदर सही है तो, और आपको ऑन द गो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए, हाउस होल्ड आइटम्स से लेके वेजिटेबल्स फ्रूट्स। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है हमें यहाँ से निकलने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर। ये ठीक है निकल चुके हैं मोस्टली, गाड़ी बस की बस सवारियाँ चल रही है, रिपेंसी ऐसे ऐसे जाम लगा हुआ, बस का स्टॉप जाएंगे। अरे भैया तो शॉपिंग हो चुकी है, तुमने क्या लिया दिखाओ, ये लिया इन्होंने, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेता है जो वेस्ट ऑफ मनी है, नथिंग
ठीक है, इनके आने से मुझे पता है 100-200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च होने उन्हें, ये जूनियर है ना, टाइम के साथ पैसे भी खर्च कराता है बेकार की चीज़ें। इसकी मैडम को सब्सक्राइब कराऊंगा मेरा चैनल और फिर दिखाऊंगा ये क्या करता है मार्केट में। चलिए निकल चुके हैं, यहाँ फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, सब कुछ है यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट निकल चुके हैं यार, थोड़ा सा और बाकी है और उसके बाद जैसे लाइट लेंगे आपको बताएंगे। संगम जो अभी मॉल कन्वर्ट हो चुका है और कितना टाइम बाकी हुआ है, होगी वापस से रेड लाइट आई बिलीव। कुछ लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता यार, सही बताऊँ, गाड़ी लेके घूम तो निकल जाते हैं और दूसरों को पुलिस परेशानी में डालते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाते हैं, ये जो है यहाँ से पार्किंग है इसकी, जस्ट लेफ्ट साइड ये पार्किंग है और ये पूरा मॉल है जहाँ से PVR ऑप्शन भी है यहाँ पर और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं ब्रांडेड आइटम्स की। और उसके बाद सीधा हम निकलेंगे आगे रेड लाइट से, शॉर्टकट हमारे घर के लिए। इंडिया गेट जाने तो रिस्की है भैया, इस टाइम पे पानी भरा हुआ है सारा उधर, कल मॉर्निंग में जाके हॉर्न भी सेक कराना है, मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। उसी को बोलूँगा, पिछले बार सही कराया था उससे, फिर वाई निकल गया आई बिलीव। अभी धनों से ही चल रही है हमारी तो है, अभी तो यार बेचने का मन तो नहीं कर रहा इसका, अभी 2 साल है हमारे पास तो अभी इंजॉय करेंगे अपनी गाड़ी, देखते हैं अगले साल। तब तक हमारे पास ये रही गाड़ी, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर कौन सी गाड़ी आती है, तब तक तो बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे। और ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें, बड़े स्मूथ है, साउंड फ्रीक्वेंसी कोई आवाज़ नहीं आ रही और हमारी गाड़ी बढ़िया चल रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये सब जगह हुआ है, पहाड़ों से लेके प्लेन्स और लॉन्ग ट्रिप्स हो, बड़े आराम से किए इसने बिना किसी परेशानी के। तो अगर आपके पास है सही गाड़ी और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शन है भी और आपको ज़रूरत नहीं है तो मत करिए यार प्लीज़, अभी हमारी इतनी ज़रूरत है नहीं और काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी गाड़ी। और अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं दिखाया तो हमने एक रैंडम चेक करवाया था इसका, कि उन्होंने भी पूरा फीडबैक दिया कार्स 24 ने कि एवरीथिंग वाज ओके एज पर 2010 मॉडल VXI, दैट इज़ परफेक्ट, आई मीन ऐसा उसको कुछ लगा ही नहीं है, जबकि वो थर्ड पार्टी था, फ्री ऑफ सर्विस थी कार्स 24 की, इंस्पेक्शन करवाया था जो हमने, तो उसमें ऐसा कुछ खास नहीं लगा उसको, उसने कुछ भी नहीं बताया प्रॉब्लम यार, जबकि हमने उसको कोई हिंट भी नहीं दिया था, बस हमने कहा था चेक करो हमारी गाड़ी और इसकी वैल्यूएशन बताने के लिए बताओ। तो वैल्यूएशन इज डिफरेंट पार्ट, बट उसे ऐसे मेजर चीज़ बताई नहीं जो उसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो आई थिंक दैट्स सेटिस्फेक्शन फॉर एनी कार ओनर, कि कोई थर्ड पार्टी अगर आपको इंस्पेक्शन करता है और उसके बाद वो कहता है कि सब कुछ सही है, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। सो इट्स वर्थ टू हैव दिस काइंड ऑफ व्हीकल जो आपको मौके पर धोखा नहीं देता और आपकी रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको सर्विस देता है। तो अभी यहाँ से देखें लेफ्ट जो कि हमारा है शॉर्टकट गो होम, एक सामने भी जाके है जो रेड लाइट से लेफ्ट होना है, बट वो मेन रोड है तो हमें वहाँ से नहीं जाना है, हमें जाना है लेफ्ट से जो कि हमारा शॉर्टकट है। और ये घर के लिए ये सही है, तो इट विल टेक 5 to 6 minutes टू रीच होम। और यहाँ पर भी हमारा एक छोटा सा मार्केट है जो साउथ ब्लॉक मार्केट बोलते हैं, तो मोस्टली चीज़ें यहाँ भी मिल जाती है। अगर हमने लास्ट विजिट में कुछ पिछली वीडियोज़ में भी हमने यहाँ विजिट किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, काफ़ी ऑप्शंस है स्टेशनरी, मेडिकल और फूड आइटम्स ऑल्सो। सो नानकपुरा साउथ मार्केट यू कैन ईजली फाइंड आउट, कि आपको यहाँ भी शाम को इवनिंग में आपको अच्छा क्राउड छोटा मोटा मिल जाता है लोकल सराउंडिंग, आई मीन लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं सारी एम्बेसीज हैं और काफ़ी हाई क्लास जो सोसाइटी है वो है यहाँ पर, एम्बेसीज भी इराक और बाकी छोटी मोटी कंट्रीज की। तो यू कैन सी गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो काफ़ी VIP एरिया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है यहाँ पर। ये ऊंचाई हो गया है फिजी का, फिजी जो एक छोटी कंट्री है उसका एम्बेसी है, जैसे अभी हमने क्रॉस करी, अभी हमें यहाँ से लेना है शांति निकेतन है लेफ्ट साइड का पार्ट और यहाँ से हमें लेना राइट। स्ट्रीट जाएंगे तो हमारा गुड़गांव के लिए हमारा कट मिल जाएगा जो कि सीधा साउथ कैंपस रोड मिलता है हमें, यहाँ से हमें राइट और ये सीधा जाएगा मनानकपुरा मार्केट से होते हुए और क्या बोलते हैं गुरुद्वारा, नानकपुरा गुरुद्वारा, मोतीबाग गुरुद्वारा सीधा रोड जाता है जो कनेक्ट करता है हमारे रिंग रोड को। तो हमें
बेस्ट लगता है कि हम इंस्टेड ऑफ गो टू मेन हाईवे ट्रैफिक से बचने के लिए हमारा ये बेस्ट रूट है। राइट साइड में हमारा है मोती बाग डाकघर पोस्ट ऑफिस और उसके बाद है वोमेन सेल जो दिल्ली पुलिस का वोमेन सेल है और यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है नानकपुरा का छोटा सा मार्केट। अमूल मिल्क छोटी सी बूथ जहाँ पर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अमूल के सारे। बस पहुँच गए हमारे घर 2 मिनट का रास्ता और। जो लेफ्ट साइड में ये हमारा मोती बाग का आई थिंक एच ब्लॉक है और इसके जस्ट पास में हमारा है घर और यहाँ से मैं लेना लेफ्ट घर आ चुका है हमारे जस्ट फ्लैट। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं टैक्सीज और प्राइवेट व्हीकल्स मोस्टली 90% टैक्सीज हैं जो हमारे गुरुद्वारे में जो आती है पंजाब चंडीगढ़ से और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। ये आगे हमारा घर तो हम पार्किंग करेंगे गाड़ी सबको उतार के तब तक वेट 1 मिनट छोड़ दिया भैया सबको घर पर अब चलते हैं फटाफट से करते हैं पार्क। आई थिंक गाड़ी की पार्किंग की जगह मिल जाए क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक होता है यार इस टाइम पे सब संडे होता है मोस्टली आज इतना वेदर सही नहीं है तो कोई निकले नहीं है वैसे तो हो सकता है ट्रैफिक की वजह से ना की वजह से हमें पार्किंग आपस से ना मिले जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी थी तो आज देखते हैं कितना जगह मिलती है नहीं मिलती। थोड़ी प्रॉब्लम है यार दिल्ली में पार्किंग की गाड़ी रखना आसान है पर गाड़ी को सही सेफ जगह पे पार्क करना एवरी डे नॉट ईजी जितने गाड़ी की पार्किंग की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा गाड़ी। और देखते हैं भैया हमारा पार्किंग की जगह अवेलेबल है नहीं है भैया लगती गाड़ी चलिए यहाँ लगाते हैं यह हमारे ऑप्शन तो है तो यहाँ से पार्क करते हैं गाड़ी। थोड़ा सा टफ होता है अगर आप पार्किंग ना मिले तो मिल जाए तो बहुत बहुत बस बेस्ट है मिल तो गई मैं हमारी पुरानी जगह पर। तो भैया बच गए हमारी पार्किंग की जगह मिल गई भैया आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं हम लोग क्योंकि जो हमारी हो चुकी है शॉपिंग छोटी सी शॉपिंग थी छोटा सा विजिट था संडे मार्केट का तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि हमारा जो डेली लाइफ है मैं उसी को कैप्चर करता हूँ कोशिश करता हूँ आपको जगह बताने की जहाँ पर हम विजिट करते हैं और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ जो हमारी डेली लाइफ के मैं विजिट करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो सकती है आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फूडी विपिन दीक्षित और आपके पिछले भी ब्लॉग्स में भी आप देख सकते हैं मेरी राजस्थान ट्रिप है नैनीताल की ट्रिप है कैची धाम मैंने विजिट किया था विद फैमिली मैंने ला व्यू रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा आपको व्यू दिखाया था और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में इवन मैंने उसका ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला हुआ है तो कभी आप नैनीताल जाएँ कैची धाम जाएँ तो एक बार जरूर विजिट करिएगा उस रिजॉर्ट में और मोस्टली सरोजिनी मार्केट मैंने आपको विजिट करवाया था उसके अलावा कितने नगर मार्केट है आज हमारे संडे मार्केट कवर हो गई है तो कोशिश करेंगे हम कुछ जहाँ भी हम डेली में लाइफ में हम कभी कभी जो छुट्टी मिलती है यार हमारे प्राइवेट सेक्टर में यार छुट्टी कहाँ है जो मिलती है छोटा मोटा हम कोशिश करते हैं आपको जगह घुमाने की विजिट कराने की इन्फॉर्मेशन देने की। तो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग सब्सक्राइब माई चैनल एज सून एज पॉसिबल थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी बी हैप्पी कीप स्माइलिंग।